इट इज नॉट स्टार्टिंग एट ऑल भाई, आई एम स्टक इन बिटवीन ऑफ नो वेयर. यहाँ से 5 किलोमीटर आगे कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं है, एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. Hey everyone, so I welcome you all to the channel. भाई आज का जो vlog है, आज का vlog miss मत करना, because many people had a problem that their bike is missing, their bike is shutting down middle way. चलते चलते बाइक बंद हो रही है, गियर में डाल के बाइक बंद हो रही है, क्लच छोड़ने बाइक बंद हो रही है. काफी लोग कह रहे हैं, सर्विस सेंटर गए, हर जगह गए, दे आर सेइंग कि क्लच आराम से छोड़ो, बाइक के अंदर फ्यूल की टंकी में पानी है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है. भाई आज ये दिक्कत मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दी है. ये सॉल्यूशन आपकी बाइक के लिए लग सकता है, प्रॉपर रीजन के साथ आपको मैं इसके अंदर सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था. आगे जाकर वीडियो के अंदर देखना, शुरू के अंदर आपने छोटे से ट्रेलर में देखा कि दैट माई बाइक वॉज स्टॉप इन मिडल ऑफ नो वेयर. सो या वॉच द वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो एंड आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई ब्रिंग ट्रैवल, मोटो व्लॉग, लाइफ स्टाइल, अनबॉक्सिंग, टेक, एंड टेक मतलब जो बाइकिंग से रिलेटेड सब कुछ होता है जो एक आम आदमी अपनी जिंदगी के अंदर झेलता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बी यू, क्रिएट न्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. एंड या बाइक पे चलो, आज बाइक पे चलो, बाइक पे चलो, आज बाइक पे चलो, बाइक पे चलो, आज बाइक पे चलो. कि भाई हमारी ये वाली जो वीडियो स्पेसिफिकली दूसरी बार शूट हो रही है, जस्ट फॉर द रीजन कि GoPro ने ना, यार ये GoPro पाप है, मतलब एक दुनिया के अंदर एक ऐसा शार्प है जिस शार्प से ना बहुत फायदा तो होता है पर एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा. आई कांट रेजिस्ट द थ्रॉटल बिकॉज भाई जो एग्जॉस्ट का सीन है ना, मज़ेदार है. व्हाट अ मौसम गाइस, व्हाट अ मौसम, जस्ट लुक एट द वेदर, इट्स अमेजिंग. ये आई एम सो सॉरी फॉर कि काफ़ी टाइम से बाइक की वीडियोज रुकी हुई थी, पर इसका जो ओ हो हो वाइट वाइट लाइट, क्या बात है भाई, आए यार बड़ी तेज़ है. यहाँ लगाया था मैंने और एक लगाया, हाँ एक लगाया था यहाँ पर शॉकर हुए. वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड, फुल प्रमोशन चालू है, हैशटैग प्रमोशन. ओ ये बाकी एग्जॉस्ट लॉन्च होने वाला है ब्रोज, एग्जॉस्ट लॉन्च होने वाला है जो मैंने अपनी बाइक के अंदर लगाया हुआ है, एंड इसी के साथ साथ मैं 2-3 और एग्जॉस्ट लेकर आने वाला. जस्ट लिसन द बीट एंड गेस व्हाट, दिस साइलेंसर इज 100% लीगल विथ सम साउंड. ये इतना ज़्यादा साउंड इसके अंदर नहीं है जो एक इलीगल एग्जॉस्ट के अंदर होता है, जो सरकार द्वारा इलीगल घोषित किया गया है. अफोर्डेबल विद अ साउंड एंड या इसका एक और एक फ़ायदा है वो आपको लॉन्च पे ही बताऊंगा. एंड हाउ एक्साइटेड यू गाइस आर फॉर द नेक्स्ट जेन क्लासिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पीछे खाली पड़ा हुआ है, वाह यार, मतलब मज़ा आ जाता है. मेरे को रिसेंटली पता चला है, बहुत रिसेंटली मतलब कल, कि पिछले एक महीने से बाइक्स के ऊपर चलान हो रहे हैं अबव द स्पीड ऑफ 60, 5-7 किलोमीटर तक कुछ है एंड 5-7 किलोमीटर आगे तक कुछ है. जस्ट एक पॉइंट ढूंढता एंड फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इस सिचुएशन में फंसने से पहले व्हाट यू शुड डू एंड अगर आपके साथ ये हो गई तो भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है. ओके, तो सपोज़ कि आप एक ऐसी रोड पर हो जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, बट डोंट माइंड आई एम स्टॉपिंग हियर जस्ट फॉर अ वेरी वैलिड रीज़न, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, ठीक है. मैं यहाँ पर रुका, 2 मिनट के लिए बाइक मैंने ऑफ करी, बाइक से मैं उतरा एंड सांस ली ले रहा था कि वापस बाइक के ऊपर बैठा एंड आई वॉज कंटिन्यूसली गिविंग दिस एंड बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी. एंड दिस हैपेंड कि आई इट इज़ नॉट स्टार्टिंग एट ऑल भाई, आई एम स्टक इन बिटवीन ऑफ नो वेयर. यहाँ से 5 किलोमीटर आगे कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर पीछे कुछ नहीं है. या एज अ नॉर्मल सिटीजन आई गॉट ऑफ द बाइक, भाई चाबी निकाली, बंद करी, चाबी निकाली, बंद करी, क्योंकि हल्की सी बाइक स्टार्ट हुई थी एंड हमारी इंजन लाइट जल चुकी थी. मैंने चाबी निकाली, सबसे पहले तो स्पार्क प्लग देखा, क्योंकि स्पार्क प्लग इज़ द मेन रीज़न कि ये शॉर्ट है नहीं है. इसकी यहाँ से वायर निकाली, अंदर फूंक मारी, स्पार्क प्लग को हल्का सा गीला किया, साफ किया, कुछ नहीं हुआ. फ्यूज़ बॉक्स खोला, यहाँ से ऐसे खोला, सारी रिलेज चेक करी, सारे फ्यूजेस चेक करे, कुछ भी लूज़ नहीं था भाई, वापस बंद कर दिया एंड आई जस्ट वेटेड कि भाई
बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैंने इसकी खोली टंकी, यहाँ से टंकी खोला, मैं कहा यार थोड़ी सी गैस वगैरह बन रही होगी, हवा वगैरह जाने तो अंदर, नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे मैं आधे घंटे तक यहाँ पर खड़े होकर किक मारता रहा एंड व्हाट फाइनली हैपेंड कि मैंने एक किक मारी, एक सेल्फ मारा एंड बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, बाय गॉड्स ग्रेस भाई मैं बच गया, क्योंकि इस चीज़ को खींचना मेरी बस की नहीं है, इनफैक्ट किसी की बस की नहीं है, बट या वी वर सेफ बॉयज। एंड यहाँ से मैं गियर डाला और मैं अपने काम के लिए नहीं, मैं वापस घर चला गया। मैं कहा इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर ये बंद हो गई तो भाई यहाँ पर लग जाएंगे हमारे खड़े खड़े। तो नोटिस करी, सोची कि यार मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया कहीं उसकी वजह से तो नहीं है, मैंने क्या चेंज किया उसकी वजह से तो नहीं है, मैंने काफ़ी सारे वायरिंग मॉडिफिकेशन इसके अंदर करे हैं पर मैंने इसके अंदर से कोई वायरिंग कट नहीं करी है। ये सब दिमाग में चलते चलते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। बट नेक्स्ट डे आई वेंट टू द सर्विस सेंटर एंड वहाँ जाकर मेरी बात हुई रमन से, अरे जो सर्विस एडवाइज़र, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी। अशरफ फ्रॉम सेंटर मोटरसाइकिल्स नारायणा इन न्यू दिल्ली, ही गॉट इन टच विद मी अगेन एंड भाई उन्होंने बाइक फुल स्कैन मार दी। ये देख लो अब क्या हुआ एंड कैसे हुआ एंड क्या हमारी बात हुई। पूछना था अभी, दिक्कत तो देखो कोई नहीं आ रही है, दिक्कत तो एकदम सॉल्व हो चुकी है। हाँ तो फिर मुझे अशरफ से बात करा दो एक बार। हाँ एक बार करा दो, क्योंकि उससे कंप्लीट पूछना था कि इसने क्या क्या काम हुआ था, फिर वो आगे बता दूँ मैं लोगों को। ये बढ़िया, अरे बाइक तो बढ़िया कर दिया यार आपने, अब तो बंद भी ना होती। नहीं अब बढ़िया चल रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ना काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आ रही थी, तो उसके अंदर ये उसमें दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि वो अपने यहाँ पर अपने स्टेट के अंदर सर्विस सेंटर में और क्या क्या करवा सकते हैं। आपने क्या किया था वो बता देंगे? हर एक गाड़ी में हर एक कोड अलग अलग होता है। हाँ जी, गाड़ी के अंदर 7-8 सेंसर लगे हुए हैं जिसमें हर एक कोड का अलग अलग मेनू होता है कि हाँ जी कोड पे जो कोड आ रहा है हम उसी कोड पे काम करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपकी गाड़ी में आ रहा था जैसे कि हमें रोल ओवर सेंसर पे और इग्निशन कॉइल पे काम करना था, तो धूल खुल वही शो कर रहा था। हाँ जी, तो फिर वो अपनी बाइक को स्कैन कर ही पता चलता होगा? हाँ जी, स्कैन करके पता चलता है जिसमें जो सेंसर में दिक्कत आती है वो सेंसर आपको धूल धूल में। हाँ जी हाँ जी, जैसे आपने सारी रिले निकाल के चेक करी थी तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, रिले के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, अगर रिले में दिक्कत है तो आपकी जो 2-3 कोड आए हैं जैसे रोल ओवर सेंसर हो गया। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट सिलेंडर इंजेक्टर लो का कोड आएगा और ओके 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 जैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि बाइक ना वो मार रही है कि एकदम चोक हो रही है बाइक या घुटके चल रही है थोड़ी सी, नहीं तो वो थोड़ी बंद होने की दिक्कत आ रही थी। उसके बाद देखो मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आगे भी लोगों को ये कोड की दिक्कत करानी पड़ेगी ठीक? देखो अगर कोई कोड आ रहा है तो सबसे पहले मुझे उसी के लिए टोल टूल के अंदर जो कोड होता है ना डाटा जिस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको पहले मेरे को चाहिए तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा कि हाँ इसमें ये चीज तो यहाँ ये चक्कर। हाँ जी हाँ जी, वरना वो अपने आप मतलब बाइक की स्कैन होना तो जरूरी है ही फिर। हाँ वो तो जरूरी है, देखो डोल टूल लगाना। हाँ जी, क्योंकि अगर कार्बोरेटर सिस्टम जब तक नहीं है कि गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाकी आपकी गाड़ी ठीक चल रही है? वो तो ठीक चल गई, अब तो सबकी ठीक चल जाएगी। इसके अंदर कोई वैसा तो मिक्सचर नहीं होता ना कि जैसे हम सेटिंग कर दे तो इसके अंदर माइलेज पे इफेक्ट करेगा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है और करना भी नहीं है ऐसा। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना, कंपनी देखो अब आपकी गाड़ी में कितनी बेसिक टाइम है। हाँ जी, रोल ओवर सेंसर इसी के अंदर ही लगा हुआ है। ओके ओके, रोल ओवर सेंसर का काम क्या होता है जिससे कि पहले के लोग करते थे 70 डिग्री तक पूरी गाड़ियां झुका देते थे। हाँ हाँ, राइडर लोग करते थे बहुत ज्यादा गाड़ी झुका देते, अब उतना गाड़ी अगर झुकाएंगे तो रोल ओवर का काम क्या होता है कि गाड़ी वो तुरंत आपकी बंद कर देगा। ओके 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 ठीक है ना, अगर वो टोटल बॉडी में लगा अगर वो जरा सा भी आउट होगा ना। हाँ जी हाँ जी, गाड़ी बार बार बंद होगी। हाँ जैसे आप कह रहे थे कि इसका कुछ पॉइंट माइनस में चल रहा था। हाँ, क्योंकि इसका कुछ पॉइंट जो होता है वो इक्वलाइज करना पड़ेगा ना, ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, समझ गया समझ गया। हाँ जी समझ गया, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर अभी। ओके ओके, आप आओगे तो मैं आपको। नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेसिक मेंटेनेंस इज डन, मतलब इसी में रिसेंटली वॉशिंग करवाई थी, वॉशिंग कराने के बाद जितने भी शूज नट्स वगैरह सारे होते हैं एवरीथिंग इज ग्रीज्ड एंड अप टू द डेट। एंड इसकी चेन टाइट हुई है? बिल्कुल हुई है सर। मुखड़ा ये मुंह दिखाई, ओए होए 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 होए। चलो जी, दिस इज समथिंग स्पेशल, हम आपको आज लिफ्ट देंगे। बिल्कुल सर, हैंडल पकड़ लो पीछे। अच्छा
ब्रेड ऑमलेट नथिंग सीधा इस एग्जॉस्ट के सामने तो होंडा हाइनेस का कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ दे, छप्पड़ फाड़ दिए इनफील्ड ने तो। हमें हमारा कंपटीशन आता जा रहा है, लोग कॉपी करना शुरू हो गए हैं। दिखाने एक बार, सही है हैं? तो सीरियसली होप दैट आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो एंड इन्फॉर्मेशनल लगी। जो भी हमारे भाई ने बताया सर्विस सेंटर से, वो इन्फॉर्मेशन अपने सर्विस सेंटर को पास ऑन करो। उससे भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो उनको बोलो भाई सॉल्यूशन निकाले। एंड या ऐसे ही साथ मिल के थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर द न्यू क्लासिक और नॉट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पुरानी क्लासिक अच्छी लगती है या नई वाली क्लासिक अच्छी लगती है ये ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है? एंड वीडियोस को शेयर कर दो गाइस, 20,000 सब्सक्राइबर्स का एम रखा हुआ है, फटाफट करवा दो। इंटरेस्टेड पीपल डू सब्सक्राइब, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आप इसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग अटैच टू द क्वालिटी ब्लॉग आई पोस्ट और द सिनेमैटिक्स आई टेक, द वे आई स्पीक, इफ़ यू लाइक दैट देन ओनली सब्सक्राइब। भीड़ पड़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइबर्स बढ़ा दोगे बाद में देखोगे नहीं वीडियो तो उसका क्या ही फायदा होगा, समझ रहे हो ना? तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, कल ही मिलेंगे क्योंकि अब तो भाई डेली जा रहे हैं। बी यू, क्रिएट न्यू, एंड या स्टे एक्साइटेड, स्टे फोकस्ड, पानी पीते रहना। जितनी भी एक्सेसरीज आप मेरी बाइक पर देखते हो, चाहे वो आज का येलो वाला किचन हो दो पीछे लटका हुआ है, पता है मैं तो अपने लिए किचन बुक कर लेता हूँ। जितनी मैं किचन्स लाता हूँ आप सबके लिए दबाए कीप फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई लव दोज किचन्स। द की रिंग्स या कोई भी एक्सेसरी आप इस बाइक के अंदर देखो, दैट इज़ अवेलेबल ऑन मोटो स्टोर इंडिया एंड वी शिप पैन इंडिया विद फ्री डिलीवरी। ओके, सो लिंक इज इन द बायो, उसके अंदर काफ़ी सारे लिंक्स खुलेंगे। एक होगा गेट माई एनफील्ड एक्सेसरीज, उसको चेकआउट करना मत भूलना। Digi digi madogodanya wodigida arufoka mashala zikina iskomi